नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 फरवरी 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल फूड पैटर्न ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? न्यू दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है, नेशनल म्यूजियम के द्वारा एक फूड इवेंट ऑर्गेनाइज की गई। इस इवेंट में उसी प्रकार का खाना परोसा गया जैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग कंज्यूम करते थे। मतलब फूड इवेंट में इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई इवेंट के आयोजकों के द्वारा। लेकिन देखो, इसके बाद एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कंट्रोवर्सी ये थी, कुछ हिस्टोरियंस ने और एक्सपर्ट्स ने ये कहा, आपने देखो इस फूड इवेंट में सिर्फ वेजिटेरियन खाना परोस दिया, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा नॉन वेजिटेरियन खाना भी कंज्यूम किया जाता था। इसके अलावा आपने बहुत कम वेराइटीज शो की इस फूड इवेंट में। तो यूपीएससी इस इशू पर क्वेश्चन पूछ सकती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का फूड पैटर्न आखिरकार था क्या। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्टिव थी, एग्जिस्ट करती थी 3300 BC से 1300 BC के बीच आज के इंडिया और पाकिस्तान में। इनके द्वारा काफ़ी प्रकार का खाना कंज्यूम किया जाता था, जैसे एनिमल फूड्स, फॉर एग्जांपल बीफ, बफेलो, मटन, टर्टल्स, टॉर्टोइज़, घड़ियाल, रिवर एंड सी फिश, इन सब चीज़ों को कंज्यूम किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा। इसके अलावा काफ़ी तरह की सीरियल्स और पल्सिस भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग उगाते थे और खाते थे। जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है उसके अनुसार कल्टीवेशन होती थी पी यानी मटर की, चिक पी यानी चना, पिजन पी मतलब तुर या फिर अरहर, हॉर्स ग्राम मतलब चना दाल, ग्रीन ग्राम मूंग, वीट की भी काफ़ी सारी वैरायटीज पाई गई हैं हड़प्पन साइट्स में। इसके अलावा बार्ले मतलब जो की वैरायटीज भी मिली हैं इंडस साइट्स पर। इसके अलावा देखो, ऐसे एविडेंस भी मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग इटालियन मिलेट, रागी, अमरनाथ, सोरगम एंड राइस को भी कल्टीवेट करते थे। ऑयल सीड्स जैसे सिसमे का मतलब होता है तिल, लिनसीड का मतलब होता है अलसी, और सबसे लास्ट में मस्टर्ड मतलब सरसों, इनको भी उगाया करते थे। देखो, यूपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती हैं कि क्या कॉटन को उगाया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, ये पहले पूछा हुआ है। उसी प्रकार से बार्ले, वीट, इन ऑयल सीड्स के बारे में भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। सिंपल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ वेजिटेरियन पदार्थों को कंज्यूम किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में शामिल की गई स्पीसीज के बारे में है। देखो, हाल ही में गुजरात के शहर गांधीनगर में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में जो पार्टीज हैं उनकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने ये प्रपोजल रखा कि हमारी तरफ से 3 स्पीसीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन, इनको यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की अपेंडिक्स 1 में शामिल कर लीजिए। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये देखो, राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वर्ल्ड के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, और सामान्यता देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे रहता है, ड्राई ग्रासलैंड्स यानी सूखे घास के मैदान जो होते हैं, या फिर स्क्रबलैंड्स, स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ, सूखी झाड़ियाँ जहाँ पर मिलती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या फिर सूखे जहाँ पर घास के मैदान होते हैं वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहता है। इसकी लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आयुष्मान की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और साइट्स जो एक कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आता है। 1972 का हमारा जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और देखो, शेड्यूल 1 में जो स्पीसीज आती हैं उनको हाईएस्ट कंजर्वेशन प्राप्त होती हैं।
मतलब उनके शिकार पर हाईएस्ट फाइन लगता है या फिर हाईएस्ट सज़ा हो सकती है। देखो पिछले 50 सालों में 90% जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वो कम हो गई है, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन कम हुई है वो शिकार के कारण कम हुई है। इसके बाद है एशियन एलिफेंट। देखो एशियन एलिफेंट की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, इसी वजह से इंडिया को एशियन एलिफेंट का नेचुरल होम भी कहा जाता है। इसके अलावा एशियन एलिफेंट मिलता है नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में और म्यांमार में। एशियन एलिफेंट भी रहते हैं श्रबलैंड्स में और ग्रासलैंड्स में, यानी घास के मैदान और झाड़ियों के जो मैदान होते हैं वहाँ पर एशियन एलिफेंट को देखा जा सकता है। एशियन एलिफेंट IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और साइट्स जो कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। किस वजह से एशियन एलिफेंट्स की संख्या जो है वो कम हो रही है? सबसे पहले हैबिटेट लॉस। हाथी पहले जहाँ पर रहा करते थे उस एरिया पर आज के समय में काफ़ी प्रेशर है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण। इस वजह से हाथी का जो एरिया है ना सिर्फ कम हो रहा है बल्कि हाथी का हैबिटेट फ्रेगमेंट भी हो रहा है। इसके अलावा हाथियों का इलीगल ट्रेड, शिकार और ह्यूमंस के साथ जो कन्फ्लिक्ट होता है, ये भी रीजंस हैं जिसकी वजह से हाथियों की जो संख्या है वो कम हो रही है। सबसे लास्ट में बात करें बंगाल फ्लोरिकन की। बंगाल फ्लोरिकन की जो पॉपुलेशन है वो देखो दो जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है वो मेनली उत्तर प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल के ट्राई रीजन में है। बंगाल फ्लोरिकन जो है वो लोलैंड ड्राई एरिया या फिर सीजनली इनंडेटेड, इनंडेटेड का मतलब होता है पानी से फील्ड एरिया जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, या फिर नेचुरल एंड सेमी नेचुरल ग्रासलैंड्स ऑफन इंटरस्पेर्स्ड विद स्कैटर्ड स्क्रब्स और पैची ओपन फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि थोड़े थोड़े जगह पर झाड़ियाँ, मतलब यहाँ पे झाड़ियाँ हैं फिर कुछ डिस्टेंस बाद, कुछ डिस्टेंस बाद, या फिर कुछ पेड़ फिर कुछ डिस्टेंस बाद पेड़, कुछ डिस्टेंस बाद पेड़, इस प्रकार का जो एरिया होता है वहाँ पर बंगाल फ्लोरिकन रहना पसंद करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। बंगाल फ्लोरिकन्स की जो संख्या है अभी काफ़ी कम है और तेज़ी से और भी कम हो रही है, क्योंकि देखो ग्रासलैंड्स जहाँ पर बंगाल फ्लोरिकन्स रहते हैं ये एरिया काफ़ी श्रिंक हो रहा है, तो हैबिटेट श्रिंक होने के कारण बंगाल फ्लोरिकन्स की संख्या कम हो रही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बुड्ढा नल्ला के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पंजाब की गवर्नमेंट ने 650 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं बुड्ढा नल्ला के रिजूनिएशन के लिए। नल्ला का मतलब है नाला। बुड्ढा नल्ला देखो एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है, एक प्रकार से सीजनल नाला है, बारिश आती है तो पानी आ जाता है इस नाले में। देखो दिक्कत ये है, ये जो नाला है वो पंजाब की लुधियाना सिटी से होकर गुजरता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है ये नाला, और बाद में यही नाला मिलता है सतलुज रिवर से जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इस वजह से सतलुज रिवर का पानी भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। देखो साउथ वेस्टर्न पंजाब में ज़्यादातर जो एरिया है वो इरीगेशन के लिए कैनल वाटर पर डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर नहरों का जाल है, तो ये जो नाला है बुड्ढा नाला, इस नाले से पानी कैनल्स में भी चला जाता है, तो इस वजह से भूमि की फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है और लोगों की जो हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, वो भी प्रभावित होता है इस नाले की वजह से। NGT ने डायरेक्शंस दी थी पंजाब गवर्नमेंट को कि आप कुछ उपचार कीजिए ताकि इस नाले की वजह से लोगों की सेहत पर, इन्वायरमेंट पर और लैंड पर बुरा असर ना पड़े। तो इसी को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने अब 650 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं हाईली पोल्यूटेड बुड्ढा नल्ला के रिजुविनेशन के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल संजीव पुरी पैनल से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? 15 फाइनेंस कमीशन ने
एक 8 मेंबर का हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप गठित किया है और संजीव पुरी जो हैं वो उस एक्सपर्ट ग्रुप के हेड हैं। कौन है ये संजीव पुरी? ये देखो आईटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। किस उद्देश्य के साथ ये एक्सपर्ट पैनल गठित किया गया है? ये पैनल जो है रिकमेंडेशन देगा किस प्रकार के परफॉर्मेंस इंसेंटिव स्टेट्स को दिए जा सकते हैं ताकि वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करें, इसके साथ साथ ऐसी क्रॉप्स को प्रमोट करें ताकि हमें उन क्रॉप्स को बाहर से दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया संजीव पुरी पैनल से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019 रिपोर्ट के बारे में है। इस रिपोर्ट में इंडिया को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है और ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। देखो इस इंडेक्स की हम बात करें, इस इंडेक्स में विभिन्न देशों को रैंकिंग दी गई थी इस आधार पर कि कौन से देश की कितनी क्षमता है अपने स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने की। मतलब कौन सा देश अपने स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, इस आधार पर विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रोवाइड की गई इस इंडेक्स में। रैंकिंग जो है वो 3 कैटेगरीज के आधार पर है। सबसे पहले पॉलिसी इन्वायरमेंट, कौन से देश में एजुकेशन स्किल बेस्ड एजुकेशन से संबंधित अच्छी पॉलिसीज हैं, दूसरा टीचिंग इन्वायरमेंट और तीसरा ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ये इंडेक्स विभिन्न देशों के एजुकेशनल सिस्टम को एनालाइज करता है स्किल बेस्ड एजुकेशन के परस्पेक्टिव से। स्किल बेस्ड एजुकेशन मतलब जैसे देखो क्या ऐसी एजुकेशन दी जा रही है जिससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो, लीडरशिप क्वालिटी, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसके साथ साथ डिजिटल एंड टेक्निकल स्किल्स, ये सारी जो स्किल्स हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन में आती हैं। अगर वर्ल्ड की हम लार्जेस्ट इकोनॉमीज की बात करें तो बड़ी कंट्रीज जैसे US, UK, फ्रांस, रशिया, ये तो देखो इस इंडेक्स में पिछड़ रही हैं, जबकि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया ये धीरे धीरे आगे निकल रही हैं। इस साल इंडिया का स्कोर रहा 53, पिछले साल इंडिया की रैंक थी 40वीं और इस साल इंडिया की जो रैंक है वो है 35वीं, यानी 5 प्लेसेस का जंप मारा है इंडिया ने इस इंडेक्स में। फिनलैंड ने इस इंडेक्स में टॉप किया है और दूसरा जो स्थान प्राप्त हुआ है वो स्वीडन को। वैसे देखो इस इंडेक्स को प्रिपेयर तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा किया गया है, लेकिन इस इंडेक्स और रिपोर्ट को बनवाया गया है यिडान प्राइज फाउंडेशन ने। मतलब स्पॉन्सर जो है वो यिडान प्राइज फाउंडेशन है। जैसा हमने डिस्कस किया इस इंडेक्स और रिपोर्ट का मकसद ये था विभिन्न देशों के एजुकेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को असेस किया जा सके, कौन सा देश कितना कैपेबल है, कौन सा देश कितने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा है, तेजी से जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है उसके अनुसार और आज के समय में जिस प्रकार की वर्क की डिमांड है उसके अनुसार। ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल इंडेक्स है जो एजुकेशन सिस्टम की इनपुट को इवेल्यूएट करता है ना कि आउटपुट को। आमतौर पर देखो हम आउटपुट को इवेल्यूएट करते हैं कि बच्चा कितना पढ़ सकता है, कैसा पढ़ सकता है, छठी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, लिटरेसी कैसी है, ये सब आउटपुट हैं। लेकिन इस इंडेक्स में इनपुट को देखा जाता है कि पॉलिसी इन्वायरमेंट कैसा है, टीचिंग इन्वायरमेंट कैसा है, ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब इनपुट्स हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर फ्यूचर इंडेक्स 2019 से संबंधित। हमारी आज की इस इंडेक्स डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।